नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने करीब 1.5 दर्जन ज्वलंत और गंभीर मामलों को जनहित में सदन पटल पर उठाया। विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक समस्या को गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सदन पटल पर उठाया और सरकार को इस गंभीर समस्या से अवगत कराते हुए इसके निजात के लिए तत्काल एक कमेटी बनाकर हजारीबाग का सर्वे कराते हुए यहां फुटपाथ व्यवसायियों को चिन्हित कर एक विशेष मार्केट स्थल बनाकर उन्हें शिफ्ट करने की बात कही। साथ ही हजारीबाग शहर में ट्रैफिक डीएसपी के साथ ट्रैफिक पुलिस की पूरी टीम को पदस्थापित करने की मांग की। हजारीबाग समेत डीवीसी कमांड एरिया में पड़ने वाले उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 7 जिलों में अघोषित बिजली कटौती की समस्या को लेकर विधायक मनीष जायसवाल सड़क से लेकर सदन तक गूंजते नजर आए। वहीं शुक्रवार को विधायक मनीष जायसवाल अपने झंडा चौक स्थित कार्यालय में आगे कहा कि जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई बड़ी धांधली को सीबीआई से जांच कराने की मांग समेत जेपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करने समेत विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा पटल पर जोरदार तरीके से उठाया। देखिए, सबसे पहले मैंने उनको सुझाव दिया है कि डीवीसी का जो मुख्य उद्देश्य डीवीसी के स्थापना का था वो था बिजली का निर्माण करना, जनरेशन करना पहला, और दूसरा बाढ़ का कंट्रोल करना। लेकिन कालखंड बीतने के साथ साथ बिजली की और डीवीसी जो है वो वितरण में भी आ गई है। आज हजारीबाग या ये कहें जो पूरा डीवीसी कमांड एरिया है, उस डीवीसी कमांड एरिया में जो है जो डीवीसी अपना लाइन बना करके अपना ग्रिड बना करके सप्लाई करती है, तो मैंने मांग किया है कि भाई ये जो लाइन है और जो ग्रिड है इसको राज्य सरकार डीवीसी से बात करके, क्योंकि डीवीसी और केंद्रीय उपक्रम है, दो सरकारों के बीच की बात है, चाहे तो ये बात करके ये जो राज्य सरकार है डीवीसी का ये संसाधन को खरीद ले वितरण को, और फिर नेशनल ग्रिड से बिजली खरीद करके सभी को दे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।